मधुबनी जिले में महीने के शनिवार को स्थानीय थानों में थाना दिवस आयोजित कर संबंधित थाने कंचलाधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी जमीन से जुड़े मामलों का निष्पादन करने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज जयनगर थाने पर भी थाना दिवस आयोजित किया गया। इसमें पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अपने जमीन से जुड़े मामले को लेकर राजदेव दास का मामला देखा और सुना गया। इस मामले पर राजदेव दास ने पिछले दिनों जयनगर में आए एक कार्यक्रम के दौरान मधुबनी जिलाधिकारी को भी अपना मांग पत्र सौंपा था और कार्रवाई की मांग की थी। अपने मांग पत्र में जयनगर अंचल अधिकारी संतोष कुमार जयनगर अपर थाना अध्यक्ष सत्यनारायण सारंग को अविलंब हटाने की मांग करते हुए किसी दूसरे पदाधिकारी के द्वारा अपनी जमीन से जुड़े मामले के निष्पादन का आग्रह किया था। आज राजदेव दास जी के अनुरोध पर राजदेव दास जी और इनके जो विपक्षी हैं श्रीमती मोसामत पूनम कुमारी के अनुसार आज हम पेपर देख रहे हैं थाना दिवस में। पेपर देखने के उपरांत ही जो भी होगा हम दोनों आदमी को बता देंगे। और मतलब और भी जमीन संबंधित मामले का निष्पादन हाँ है और आदमी हाँ, आए सर, हुए हम, हैं, तो वन बाय वन करके देखते हैं तो फिर जैसे होगा।